दो दिन बाद दे दूंगी। प्योर वेज है ना? प्योर वेज। जाली नहीं लगाई हो, आदमी अंदर चला जाए पता भी नहीं चलेगा। अब मैं जो थोड़ी देर कैमरा ऑफ करके, मैं को ठंड है बहुत, मस्त मौसम है। तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप लोग हमारी तमिलनाडु की यात्रा देख रहे हैं और एक और हिल स्टेशन के ऊपर हम लोग आ गए तमिलनाडु के अंदर। बहुत जबरदस्त लोकेशन है ये, लोकेशन है कडईकोनाल, जबरदस्त। सुबह से जो यहाँ पर बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, एकदम टॉप के ऊपर हम लोग हैं। एक घर है यहाँ पर, हमने रूम लिया है, यहाँ पर धूप भी नहीं निकल रही है, सुबह से सिर्फ बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। सब मेरा कपड़ा दो दिन बाद दे दूंगी। कोट भी मेरा रख लिया, जूते मेरे थे, इसने बारिश आई जबरदस्त उसके अंदर रख के छोड़ दिए, तो इधर लथपथ भीग के फुल हो गए। गरम घर के रहने के अमरो पर बाद में इया खिचे करा, इया खिचे करा, इया ऊपर लो बिगा लीजिए गले में, ऊपर लगी पापा लगा कौन रखे। आज कुछ पता नहीं, बारिश भी आ सकती है, मौसम बहुत जबरदस्त है। तमिलनाडु के अंदर एक तो ऊटी है जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, आपको दिखाया बेटा, और एक ये है रेनकोट। अब मैं जो यहाँ पर जंगलों के अंदर जाके आ रहा हूँ, हमें तो रास्ते ऐसे ही मिलते हैं रोज, उबड़ खाबड़ सड़क टूटी हुई, बारिश आने के बाद में फूटी हुई रोड हो ना पहाड़ों के ऊपर और चढ़ाई हो तो बहुत स्लिप करती है गाड़ी, बहुत रिस्की वाली जगह होती है। आज मैं ना एकदम शांत जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पर एकदम भीड़ भाड़ नहीं हो, एकदम रिलैक्स, अकेला, शांति से। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो रास्ते में देखा बहुत सुंदर वाटरफॉल है, ये कह रहे हैं इसका नाम जो लिलिल वाटरफॉल है, लिलिल वाटरफॉल्स, पंपर फॉल्स। आज मौसम भी बहुत शानदार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, एकदम हल्का हल्का इस तरह से पानी आ रहा है। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए नहा नहीं सकते, इस पानी के अंदर ऐसे नहाने का मन कर रहा है। यहाँ पर भी चॉकलेट फैक्ट्री है, सोचा कुछ खा लेते हैं, बाहर बारिश शुरू हो गई, ऐसे चॉकलेट क्या है घरों में बनाते हैं। एक जगह हमने देखा था गैस चूल्हे के ऊपर भी चॉकलेट बना सकते हैं, मैं सिया के लिए रखूंगा पूरी नहीं खा सकता, लेकिन यहाँ में महंगी बहुत देते हैं, 650 रुपये की 250 ग्राम चॉकलेट। यहाँ लिखा हुआ है कि ध्यान से जाएं, गोल्फ कोर्स है, बॉल जो इधर से इधर आ सकती है। तो एक्चुअली मैं एक जंगल के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर क्या पेड़ उखड़े हुए पड़े हैं इस तरह से खूब सारे, बारिश की वजह से मुझे रेनकोट पहनना पड़ गया। यहाँ पे कोई नहीं, एकदम घना जंगल है, यहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं पकड़ता और एकदम कनेक्शन कट पूरी तरह से। आज तो जो धूप भी नहीं है, बारिश आ रही है। अब मैं जो थोड़ी देर कैमरा ऑफ करके यहाँ पे रिलैक्स करने वाला हूँ, ना कोई डिस्टरबेंस, ना बादलों की वजह से धुंध आ गई, यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये झूला भी बहुत अच्छा है नहीं। मुझे ना ऐसे स्थान ज़्यादा पसंद है जहाँ पर एकदम शांत हो, लोगों की ऐसे ज़्यादा भीड़ ना हो, एकदम ट्रैफिक से एकदम बिल्कुल दूर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों का खतरा होता है, ये है पाइन फॉरेस्ट, उगने वाली मशरूम, जंगली मशरूम जिसे बोलते हैं, खूब सारी है जगह जगह पे है। ये देखो कुछ इस तरह से, ये क्या है कि किसी पेड़ के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये उग जाती है। रेड मशरूम इस तरह की मैंने पहली बार देखी है, हमारे गांव में इस तरह से नहीं होती, रेड वाइट मशरूम होती है, कुछ लोग इसकी सब्जी बना के भी खाते हैं। इस तरह का पाइन फॉरेस्ट हमने ऊटी के अंदर भी देखा था, यहाँ पे तो काफ़ी लोग है भाई, घोड़े वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खूब सारे घोड़े पर्यटकों के लिए खड़े हैं कि पैर की कुछ दिक्कत है, वो घोड़े के नीचे खुर के नीचे लगाते हैं कुछ, इसको पता नहीं अपनी साइड में बोलते थे, मैं भूल गया कुछ, वो चेंज कर, चेंजिंग इसको क्या बोलते हैं, लाडम, ये लाडम बोलते हैं, ये शांति से खड़ा भी है। जो घोड़े के पैर होते हैं उनके नीचे लोहे की कुछ इस तरह से ये लगा के रखते हैं, और जब ये घिस जाती है चलते चलते और उसके बाद हम वापस चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से खूब सारे घोड़े हैं जो टूरिस्टों के लिए उनको बैठा के इस जंगल के अंदर घुमाने के लिए खड़े कर रखे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, ये कह रही है मुझे लकड़ी चकवा दो, आंगड़ पुड़िया
नो सेफ्टी जंगल में हां अट्टे का पूरा काट कर देना ना अट्टे का रंबर को ना वरले कड़ी को अट्टे के। उसके बाद मैं चलते चलते ये आ गया हूँ जिसे बोलते हैं राक्षस की रसोई। जो पेड़ की जड़ें हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आई हुई है। वेयर इज गुना केव? गुना केव दिस वन इनसाइड। नो नो केव दिस वन। आप केरला से आए? या मैं चलते चलते आ गया हूँ गुना केव। यहाँ पर क्या जालियाँ लगी हुई है पूरी के अंदर है। वो जालियाँ लगा दी, बंद कर दी क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं। बंद है कह रहे हैं कि कई हादसे होने की वजह से बंद कर दिया। इस साइड में जाली लगी हुई, उस साइड में भी जाली लगी हुई है। यहाँ से देखिए सीधा नीचे। यहाँ पर क्या है खूब सारे हादसे हो गए, उस वजह से जाली लगा दी है। सेम टू सेम ये रिकोंग पियो के जो सुसाइड पॉइंट था उसी तरह से एकदम सीधा डाउन के अंदर खाई यहाँ से। ये है असली गुफा, जाली नहीं लगाई हो आदमी अंदर चला जाए पता भी नहीं चलेगा। इस स्थान का क्या नाम है? इधर पर मोयर पॉइंट एक पॉइंट बना हुआ है सर थॉमस मोयर के नाम से। 1929 के अंदर अंग्रेज थे कोई और उनके नाम से उनकी निशानी अभी तक जगह जगह पे देखने को मिलती है। फोटो रेडी, फोटो स्पॉट। ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है और अभी जो धुंध होने की वजह से नीचे की साइड में कुछ नजर नहीं आ रहा है। ट्री पेयर, फ्लावर ट्री पेयर, एवरलास्टिंग फ्लावर, फ्लावर है नेचुरल और इनका जो मुरझाते नहीं है, काफी टाइम तक रहते हैं तो मुरझाते नहीं है। पता नहीं ये तो कलर किया हुआ है जब ब्लू वाला नहीं था इधर कलर ब्लू। ये केमिकल ट्रीटमेंट, फुल केमिकल ट्रीटमेंट। येलो फ्लावर नेचुरल कलर, येलो नेचुरल है बाकी सब केमिकल से किया हुआ है। हाउ मच टाइम प्रिजर्व? 3 साल ऐसा रहेगा। 3 ईयर ये कह रहे 3 साल तक ये ऐसा ही रहेगा। पानी नहीं है, पानी में ना खराब रहेगा, वाटर नहीं। ये कह रहे दोना या नहीं है इनको ऐसे है। काफी सुंदर है ये, पहली बार देखा है इस तरह से। सुना है कि 3 साल तक कोई फूल जो इस तरह से रह जाए बिना मुरझाए। यहाँ पर मशरूम बेच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मशरूम फ्राई करके देते हैं। और ये व्हाइट है, वो रेड थी जो हमने अभी जंगल में देखी थी वो तो रेड थी, पर ये व्हाइट है। और यहाँ पर मशरूम फ्राई करके भी बेचते हैं खाने के लिए भी। तो मैंने एक प्लेट, हाफ प्लेट एक्चुअली मशरूम बनवा लिया है। इससे पहले आज तक मैंने मशरूम कभी नहीं खाया। प्योर वेज है ना? प्योर वेज। ओके, अभी प्योर वेज मशरूम है, इसको टेस्ट करें। ओनियन, टोमेटो, मसाला। मशरूम इधर फार्मिंग होती है कि जंगल से लेके आते हैं? अच्छा, फॉरेस्ट से। रेड मशरूम? नो रेड, ओनली व्हाइट। मैंने अभी रेड देखा। हाँ, थोड़ा सा मसाला तेज है बाकी मशरूम बहुत टेस्टी है। ये क्या जंगल से लेके आते हैं, इसे भी जंगली मशरूम ही बोलते हैं। ये प्योर है क्या? प्योर। अच्छा, ये जॉइंट पेन के लिए। और कौन सा वाला है ये? ये नीलगिरी के लिए तेल ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या सस्ता मिल जाता है? 100 rupees पर 1 bottle है। इसको नाक में डाल सकते हैं? नोज, थ्रोट पेन, कफ कोल्ड सब में। उसके बाद में आ गई है बहुत जबरदस्त लोकेशन, बहुत जबरदस्त। ये देखिए मेरे पीछे की साइड में पिल्लर रॉक्स इसे बोलते हैं। धुंध के अंदर और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। ऐसे में गाजर ले लेता हूँ खाने के लिए। मार्केट से जो मैं सामान लाने के लिए रुक गया था। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।